एमपी के हरदा खिरकिया नगर में मुख्य मार्ग पर स्थित छिंद वाले बाबा के पास साईं प्रताप कॉलोनी में मूलभूत सुविधा के अभाव की शिकायत नगर परिषद कार्यालय पहुंची तो नगर परिषद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी राजेंद्र श्रीवास्तव द्वारा एक टीम गठित की गई, जिसमें नगर परिषद के वरिष्ठ इंजीनियर दीपक पाठक ने कॉलोनी में कॉलोनाइजर द्वारा कॉलोनी अभिन्यास के तहत कॉलोनी निर्माण के समय कॉलोनी वासियों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के सपने दिखाए थे, जिसको लेकर मंगलवार के दिन वरिष्ठ इंजीनियर दीपक पाठक अपनी टीम के साथ कॉलोनी में जांच करने पहुंचे, जहां नगर परिषद की टीम ने कॉलोनाइजर के कर्मचारी के साथ कॉलोनी का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कॉलोनी में मार्ग की लंबाई चौड़ाई सहित पार्क स्ट्रीट लाइट पेयजल सुविधा सहित अन्य मूलभूत सुविधाओं की जाँच की गई, जिसमें कॉलोनी अभिन्यास के नक्शे के अनुसार कॉलोनाइजर को कॉलोनी वासियों को डामरीकरण सड़क का निर्माण करके देना था, जो मौके पर नहीं दिखाई दी। साथ ही कॉलोनाइजर के कर्मचारी द्वारा बार बार बताया जा रहा था कि कॉलोनी में डामरीकरण सड़क का निर्माण किया गया है। जब इंजीनियर द्वारा पूछा गया कि कहाँ है डामरीकरण सड़क, तो मुझे एक दो डामरीकरण सड़क की फोटो तो बता दो, जिस पर वो नहीं बता पाए। इसी तरह कॉलोनी में खंभों पर स्ट्रीट लाइट भी दिखाई नहीं दी, जिसको लेकर मौके पर कॉलोनाइजर के कर्मचारी को निर्देशित किया गया है। साईं प्रताप कॉलोनी की जांच थी जनसुनवाई में और लोगों के यहाँ की जांच थी, तो उसकी आज हम अपने टीम के साथ यहाँ जांच करने आए। क्या क्या अपन ने यहाँ जांच की? अभी पूरी रोड की चौड़ाई देखी, पार्क का पूरा एरिया देखा, पेयजल व्यवस्था देखी, स्ट्रीट लाइट देखी, लगभग जो मूलभूत सुविधाएँ देखी हैं सभी का हमने परीक्षण किया। तो इसमें क्या कौन कौन सी कमी पाई गई है? देखिए, रोड की वेट तो लगभग हमको हर जगह बराबर की मिली है, जो अनुमोदित अभिन्यास में है TNCP से। पार्क का एरिया भी सही है, इनके द्वारा बताया गया है कि दो बोर इनके द्वारा कराए गए थे जिससे कि वाटर सप्लाई की जानी थी, लेकिन अधिकतम लोगों के पास खुद के बोर उन्होंने करा लिए और खुद के अपने बोर से वो लोग सप्लाई कर रहे हैं। स्ट्रीट लाइट इनके द्वारा लगाई गई है, दिख रही है, लेकिन उसमें इनके द्वारा लाइट की व्यवस्था नहीं की गई थी, तो अभी हमने इनको हिदायत दी है कि दो दिन के अंदर इसमें पूरी लाइट अपने स्वयं से लगवा दें। सीवरेज सिस्टम, ओवरहेड टैंक का इनके में कोई प्रस्ताव नहीं था, कोई पास नहीं था, एस्टीमेट में भी नहीं था, ओवरहेड टैंक की कोई प्रावधान नहीं था इनके एस्टीमेट में, बोर का प्रावधान था, तो बोर इनके द्वारा दो किए गए। कवर्ड कॉलोनी है क्या साहब? एक कवर्ड कॉलोनी। कवर्ड किया है क्या इन्होंने? कहीं कवर्ड किया। गत सप्ताह में जन सुनवाई के दौरान एक शिकायत प्राप्त हुई थी, साईं प्रताप कॉलोनी में मूलभूत सुविधाएँ प्रदान नहीं की गई हैं। उसी के तारतम्य में सब इंजीनियर को जाँच हेतु नियुक्त किया है। उनका प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात ही वस्तु स्थिति अनुसार कार्रवाई की जाएगी। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।